तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नीट 2019 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानेंगे, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिमिटेड टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिन टॉपिक्स को आप पहले कम समय में कवर करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, 500 मार्क्स तक आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। तो चलिए समझते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 180 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम होगा आपके पास वो होगा 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। और जो 180 क्वेश्चंस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो हम देख लेते हैं। तो फिजिक्स में होंगे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के होंगे 45 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी सेक्शन के होंगे 90 क्वेश्चन। ये भी जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइड होंगे, जूलॉजी 45 क्वेश्चंस और बॉटनी 45 क्वेश्चंस। तो जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो पहले बायोलॉजी को कवर करके क्वालिफाइंग मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का, तो और 180 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके टोटल 720 नंबर के। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा वो 360 मार्क्स का आपका टोटल होगा, और जो बायोलॉजी सेक्शन है वो अकेला होगा 360 मार्क्स का। और जो मार्क्स की स्कीम है, हर करेक्ट आंसर पर आपको मिलेगा +4 मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, और हर गलत आंसर पे आपके हो जाएंगे -1, एक नंबर की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। और जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनमें कोई माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, तो आपकी माइनस मार्किंग कम से कम नहीं होगी। और एग्ज़ाम जो होता है वो आप सभी को पता ही है, पहले बताया हुआ है, ऑफलाइन मोड होगा, पेन पेपर एग्ज़ाम होगा। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, नॉर्मली सभी को पता होती है, फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।